मुझे लगता है कि जो भी एयरफोर्स लवर हैं या हमारे डिफेंस सर्विसेज के जो भी लवर्स हैं उनके लिए आज ये बहुत अहम होने वाला है, बिकॉज आज मैं ऑब्वियसली भारतीय वायुसेना की रियल शक्ति का प्रदर्शन आपके सामने करने वाला हूँ। इंटरसेप्टर का आप मतलब समझें कि देखिए फौज के कई सारे रोल होते हैं, जब आप एयरक्राफ्ट फाइटिंग को टेक्निकली देखने की कोशिश करें तो ऐसा नहीं कि आप केवल अटैक ही करते हैं, कहीं ना कहीं आप एक ब्रेक का भी काम करते हैं। चार एयरक्राफ्ट इनके पीछे से भी है और एक घेरा बना लिया 6 एयरक्राफ्ट का, क्योंकि आप भाग सकते थे इधर से उधर से कहीं रास्ता में, बट एक घेरा बना लिया, पर उसके बावजूद कहते हैं कि निर्मल जीत सिंह सेखो साहब जो है दम लगा के पूरा लड़े और उनके 6 के 6 एयरक्राफ्ट को बर्बाद किया। और ऐसे यार कोई हमको आँख दिखा के नहीं जा सकता, वो ताकतवर देश हम हैं, वो ताकतवर फोर्सेज हमारी हैं। तो मुझे लगता है कि हर नेगेटिव लाइन बोलने वाले व्यक्ति के लिए एक तमाचा है हमारे इंडियन एयरफोर्स का ये पावर। मैं किसी भी एयरक्राफ्ट की बात करूं यार तो अपना सपना लिखो यार वीडियो कमेंट में आकर के कहीं ना कहीं कि आखिर आपका सपना किस एयरक्राफ्ट को उड़ाने का है, आपका सपना किस एयरक्राफ्ट से हवा में गोते खाने का है। मेजर कल्ची क्लासेस ऑनलाइन कोर्सेज फॉर ऑल डिफेंस एग्जाम्स, रिकॉर्डेड लेक्चर, ई नोट्स, डेली लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट, अब ऑनलाइन पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। डाउनलोड द MKC लर्निंग ऐप एंड फुलफिल योर ड्रीम्स। तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका, और ऑब्वियसली आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। मुझे लगता है कि जो भी एयरफोर्स लवर हैं या हमारे डिफेंस सर्विसेज के जो भी लवर्स हैं उनके लिए आज ये बहुत अहम होने वाला है, बिकॉज आज मैं ऑब्वियसली भारतीय वायुसेना की रियल शक्ति का प्रदर्शन आपके सामने करने वाला हूँ। आज वास्तविकता से मैं आपको पूरी तरह से अपने इंडियन एयरफोर्स की क्षमता, उसकी ताकत और उसके पराक्रम को समझाने वाला हूँ। आई थिंक ये वीडियो बहुत अहम होने वाला है, बिकॉज अभी हाल फिलहाल में आपने रफेल के विषय में लोगों से बहुत सुना, पर मुझे लगता है कि इस रफेल के साथ साथ हमारे देश के इंडियन एयरफोर्स की हर स्क्वाड्रन की क्या पार है और हमारे ओवरऑल फाइटिंग एयरक्राफ्ट क्या है, किस स्क्वाड्रन में सिचुएटेड है, किस लोकेशन में सिचुएटेड है, ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। आज आप स्क्वाड्रन को भी समझेंगे, अपने फाइटिंग एयरक्राफ्ट को भी समझेंगे और पहली उनकी लोकेशंस क्या है, उनकी ज़रूरत क्या है, हर बात को गहराई से समझेंगे। और यही नहीं, आज मैं जितने भी अपने फाइटिंग एयरक्राफ्ट्स हैं उनके विषय में समझाऊंगा, उनकी मारक क्षमता को समझाऊंगा, उनकी ओवरऑल वैल्यू को समझाने का प्रयास करूंगा कि आखिर किस तरह से ये विषम परिस्थितियों में हमेशा हमारे साथ तैयार रहते हैं। और ऑब्वियसली आज विश्व की कहीं ना कहीं चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स होने का मिसाल अगर हमारे भारत देश ने काबिज किया है तो हमारे इन्हीं फाइटिंग एयरक्राफ्ट के माध्यम से किया हुआ है। और ऑब्वियसली सीरीज में जब मैं बढ़ूंगा तो ऑब्वियसली आज मैं कहीं ना कहीं सारे के सारे स्क्वाड्रन की बात करूंगा, तो जो भी स्क्वाड्रन की मैं बात करूंगा तो बहुत सारे स्क्वाड्रन मिसिंग भी होंगे, और उनको मिसिंग इसलिए होंगे क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे हेलीकॉप्टर से रिलेटेड स्क्वाड्रन है या हमारे जो करियर जो है एयरक्राफ्ट है उनके जो स्क्वाड्रन है मैं उनका जिक्र बिल्कुल नहीं करूंगा। आज जो मैं जिक्र करने वाला हूं आपके सामने वो केवल फाइटिंग एयरक्राफ्ट की बात करने वाला हूं, और ऑब्वियसली आज मैं टोटल जो बेस डिस्कस करने वाला हूं इस कड़ी में ऑलमोस्ट जो है वो आपके सामने मैं 20 जो बेस हैं उनके विषय में डिस्कस करूंगा, और उन 20 बेस पे एस्टैब्लिश सारी के सारी स्क्वाड्रन के विषय में बात करूंगा, उन स्क्वाड्रन के निक नेम या कह सकते हैं आपकी उनका जो टैग लाइन है मैं उसकी बात करूंगा, और वहां पे सिचुएटेड अपने फाइटिंग एयरक्राफ्ट के विषय में बात करूंगा। तो बिल्कुल इस वीडियो में बने रहिएगा, इट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू अलॉट, ये आपको बहुत मदद करेगा आज इंडियन एयरफोर्स को बहुत गहराई से समझ पाने का, अपने स्क्वाड्रन की वैल्यू को समझ पाने का और फाइनली इंडिया के रियल ताकत को समझ पाने का। तो बिल्कुल जुड़े रहिए और ध्यान से समझते चलिए कि आखिर हमारा ओवरऑल इंडियन एयरफोर्स क्या है। कहते हैं कि भारतीय वायुसेना का गठन अक्टूबर 1932 को मात्र 4 बेस्ट लैंड वापति विमान और 5 भारतीय पायलट के साथ किया गया है। तो कहा जाता है कि 1932 में शुरुआत हो गई, और ऑब्वियसली बेस्ट लैंड वापति का नाम आप बार बार सुनते हैं, हमारे ऐसे ही जो है 4 एयरक्राफ्ट थे जिनके आधार पे हमारे इंडियन एयरफोर्स का जन्म हुआ, और फाइनली 5 पायलट उस समय हुआ करते थे, और ये सब प्रोसेस होते होते अप्रैल 1933 को भारत ने अपना पहला स्क्वाड्रन रेस किया। उससे पहले आप समझें कि 1933 से पहले हमारे देश में हमारा कोई स्क्वाड्रन नहीं हुआ करता था, 1933 में पहला स्क्वाड्रन रेस किया गया। 88 वर्षों में 4 विमान से आज हम 900 विमान पहुंच गए। मुझे लगता है कि एक ऐसी जर्नी रही है ताकत और पराक्रम की ग्रोथ की जो कि इंडियन एयरफोर्स के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है कि इन 88 वर्षों में 88 ईयर्स में एक कमाल की जर्नी चली है, और ऑब्वियसली उन 4 विमान से आज हम 900 विमान की जर्नी तय कर चुके हैं, और ऑब्वियसली भारतीय वायुसेना विश्व की चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स के रूप में इस्टेब्लिश हो चुकी है। स्क्वाड्रन वर्ड बार बार आपके सामने आना है तो आपको इसको भी समझ लेना है स्क्वाड्रन क्या होता है। स्क्वाड्रन का मतलब ये होता है कि एटलीस्ट 18 विमान एक स्क्वाड्रन
में होते हैं, जितने भी हमारे स्क्वाड्रन एस्टैब्लिश किए जाते हैं उनमें मिनिमम 18 जो है वो विमान होते हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं। टेक्निकली समझेंगे इसका कमांड विंग कमांडर रैंक के अधिकारी के हाथ में होती है। और जितने भी हमारे स्क्वाड्रन होते हैं, लास्ट टाइम भी मैंने जब एयरफोर्स की डिटेल्ड वीडियो ली थी तो उसमें बताया था कि जो हमारी स्क्वाड्रन होती है, जो उनकी कमांड होती है, वो एटलीस्ट विंग कमांडर रैंक के ऑफिसर्स के हाथ में होती है। तो ऑब्वियसली स्क्वाड्रन आप समझ चुके होंगे कि मिनिमम 18 एयरक्राफ्ट जो है वो एक स्क्वाड्रन में है। और ऑब्वियसली आज जब मैं 900 की बात करने वाला हूं तो ऑलमोस्ट 50 स्क्वाड्रन का जिक्र आपके सामने करने वाला हूं जिनमें आप अपनी अलग अलग एयरक्राफ्ट्स को इस्टैब्लिश पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं तेजी के साथ, समय वेस्ट नहीं करते हैं। आपके बगल में स्क्रीन पे ऑब्वियसली जिनका जिनका मैं नाम लेता जाऊंगा, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो बेस के साथ साथ वो स्क्वाड्रन और उस स्क्वाड्रन के साथ साथ उस ऑब्वियसली फाइटिंग एयरक्राफ्ट का इमेज आप देख पाएंगे और महसूस कर पाएंगे वाकई में हमारे इंडियन एयरफोर्स की ताकत क्या है। तो चलिए बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहला बेस जब हम बात करते हैं तो ग्वालियर मध्य प्रदेश। ऑब्वियसली जब ग्वालियर मध्य प्रदेश की बात होती है तो अपने आप में एक बड़ा एयरफोर्स का बेस माना जाता है जिसके अंतर्गत 3 स्क्वाड्रन हैं, जिसमें नंबर 1 स्क्वाड्रन की जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली नंबर 1 स्क्वाड्रन भी आपका ग्वालियर में, नंबर 7 स्क्वाड्रन भी आपका जो है वो ग्वालियर में, और पहले नंबर 9 भी स्क्वाड्रन आपका ग्वालियर में। जब नंबर 1 स्क्वाड्रन की बात होती है तो टाइगर्स के नाम से जो है ये जाना गया, और ऑब्वियसली मिराज 2000 जो आज का हमारा डिप्लॉयमेंट है वहाँ पे फाइटिंग एयरक्राफ्ट का, तो वहाँ पे मिराज 2000 कैपेबिलिटी आप पाएंगे। पहले ही नंबर 7 स्क्वाड्रन की बात करें, बैटल एक्सेस, क्योंकि हर स्क्वाड्रन का अपना एक जो है लोगो होता है, एक वार क्राई होता है, एक टैगलाइन होता है, तो ऑब्वियसली बैटल एक्सेस की बात करें तो मिराज 2000। एंड अगेन नंबर 9 स्क्वाड्रन की बात करें, उल पैक, तो अगेन आपका मिराज 2000। तो ये आपकी पूरी ग्वालियर बेस की कहानी रही। तो कह सकते हैं 54 आपके मिराज 2000 जो है वो ग्वालियर के तीनों स्क्वाड्रन में सिचुएटेड हैं और ऑब्वियसली जो हमारी ताकत और क्षमता का एक प्रदर्शन करते हैं। पहले ही हम बढ़ते हैं पठानकोट की बात करते हैं। जब पठानकोट पंजाब की हम बात करते हैं तो टोटल आपके 3 स्क्वाड्रन पठानकोट पंजाब में भी, जहां नंबर 3 स्क्वाड्रन, नंबर 26 स्क्वाड्रन और नंबर 108 स्क्वाड्रन। जब हम नंबर 3 स्क्वाड्रन की बात करते हैं तो ऑब्वियसली कोबरा, नंबर 3 की जब हम बात करते हैं तो कोबरा जो उनका है टैगलाइन MiG-21। नंबर 26 स्क्वाड्रन की हम बात करते हैं वॉरियर्स MiG-21। एंड अगेन नंबर 108 स्क्वाड्रन की जब हम बात करते हैं तो इसको हॉक कीस कहा जाता है, जिसको आप कह सकते हैं MiG-21। अगेन फिर से 54 MiG-21 जो हैं वो हमारे पठानकोट पंजाब के बेस पर और 326 एंड 108 स्क्वाड्रन में अवेलेबिलिटी इनकी की गई है। पहले हम जब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बेस पे तो अंबाला आपका एयरबेस आ जाता है, जिसमें आप ऑब्वियसली अंबाला पंजाब की बात करें तो हर तरह से बहुत महत्वपूर्ण है। और ऑब्वियसली जब इसका जिक्र आता है तो ऑब्वियसली लेटेस्ट जो हमारे सामने रफेल की न्यूज रही वो सबसे बड़ी रही, और आपको पता है कि अंबाला के ही स्क्वाड्रन नंबर जो है 17, जो कि आपको पता होना चाहिए, जब स्क्वाड्रन नंबर 17 की मैं बात कर रहा हूँ तो कहा जाता है कि नंबर वर्ष 2016 में इसको डिसकमीशन कर दिया गया था। दैट मीन जो हमारा स्क्वाड्रन नंबर 17 है इसको डिकमीशन कर दिया गया, तो फाइनली 11 सितंबर 2019 को इसको दोबारा एक्टिव किया गया। और ये वही स्क्वाड्रन है जिसके कमांड पूर्व जो है वायुसेना अध्यक्ष BS धनोआ ने कारगिल युद्ध के समय जो है संभाली थी। तो ऑब्वियसली स्क्वाड्रन कहीं ना कहीं अपने आप में महत्वपूर्ण था, और रफाल की अपकमिंग थी तो लाजमी से बात है कि 11 सितंबर 2019 को हमारे 17 स्क्वाड्रन को फिर से एक्टिव किया गया, और ऑब्वियसली अंबाला में एक बड़ा खुशी का माहौल है बिकॉज रफाल फाइनली वहां पे है। तो आइए जानते हैं, जब अंबाला हम बेस की बात करते हैं तो नंबर 5 स्क्वाड्रन आपका है टस्कर्स जैगवार, नंबर 14 स्क्वाड्रन आपका बुल्स जैगवार, एंड पैलेली नंबर 17 स्क्वाड्रन जिसको गोल्डन एरो हम टैग से वहाँ जानते हैं, और ऑब्वियसली अब वहाँ पर आपका रफाल आ चुका है। तो ये थिंग, ये खूबसूरती है अंबाला एयरबेस की, जो कि मुझे लगता है कि बहुत अहम दृष्टिकोण लोकेशन भी है, जो कि कहीं ना कहीं पूरे पाकिस्तान और चाइना को कंट्रोल करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए एक बहुत अहम है ये लोकेशन, ये हमारा एयरबेस सामरिक दृष्टिकोण से। और ऑब्वियसली अब वहाँ पर रफाल जैसे शक्तिशाली एयरक्राफ्ट का आगाज हो चुका है, जो हमारी एयरफोर्स की शक्ति में चार चांद लगाता है और हमारे देश के पराक्रम में चार चांद लगाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हलवारा पंजाब की, तो ऑब्वियसली हलवारा पंजाब में जब हम बात करते हैं तो आपके 2 स्क्वाड्रन है, स्क्वाड्रन नंबर 220 दैट मीन 220 स्क्वाड्रन, स्क्वाड्रन नंबर 221 आपका 221 स्क्वाड्रन, डेजर्ट टाइगर जो कि Sukhoi-30 Mark 1 एंड पैलेली Sukhoi-30 Mark 1 आपका वैलियंट्स में, मतलब नंबर 221 दैट मीन 221 स्क्वाड्रन में जो कि वैलियंट्स कहलाते हैं, और ऑब्वियसली Sukhoi-30 Mark 1 वहां पे सिचुएटेड, टोटल 36 कह सकते हैं, 18 Sukhoi-30 Mark 1 एंड Sukhoi-30 Mark 1 दोनों ही स्क्वाड्रन में 18 एयरक्राफ्ट अवेलेबल है। आदमपुर पंजाब की बात करते हैं तो नंबर 47 स्क्वाड्रन और नंबर 223 स्क्वाड्रन, जिसमें आप नंबर 47 स्क्वाड्रन की बात करें तो ब्लैक आर्चर्स इनको कहा जाता है MiG-29, वही नंबर 223 दैट मीन 223 स्क्वाड्रन की बात करें तो ट्रिडेंस
कहा जाता है, और ट्राइडेंट्स की बात करें तो MiG-29, तो ऑब्वियसली अगेन MiG-29 एंड MiG-29, तो समझिएगा 36 आपके आदमपुर पंजाब में भी सिचुएटेड है। बरेली उत्तर प्रदेश की बात करें, नंबर 8 स्क्वाड्रन 8 परसूट्स एंड नंबर 24 स्क्वाड्रन हॉक्स। जब हम बात करते हैं नंबर 8 स्क्वाड्रन 8 परसूट्स की, तो ऑब्वियसली सुकोई 30 मार्क 1 एंड नंबर 24 स्क्वाड्रन हॉक्स की बात करते हैं तो अगेन सुकोई 30 मार्क 1। तो ये सिचुएशन है हमारे बरेली उत्तर प्रदेश के एयरबेस लोकेशन की, जिसमें 36 अगेन सुकोई 30 मार्क 1 सिचुएटेड है। वहीं गोरखपुर उत्तर प्रदेश की बात करें तो नंबर 16 स्क्वाड्रन जो कि ब्लैक कोबरा जैगुआर, वहीं नंबर 27 स्क्वाड्रन जिसको फ्लेमिंग एरोज कहा जाता है जैगुआर, तो जैगुआर भी एक अपने आप में बहुत ही मजबूत शक्तिशाली और बेहतर एयरक्राफ्ट। और ऑब्वियसली आज जब मैं जैसे ही जैगुआर की बात कर रहा हूँ, सुकोई की बात कर रहा हूँ, मिग की बात कर रहा हूँ, मैं क्रमशः इनकी डिटेलिंग भी आपको समझाऊंगा कि भारत ने इसको कहाँ से परचेज किया है और इनकी कार्य क्षमता क्या है और किस तरह से हमारे देश की ताकत में और हमारे एयरफोर्स की ताकत में चार चांद लगाते हैं। पहले लिए आप समझें, सिरसा हरियाणा की बात करें तो नंबर 21 स्क्वाड्रन आपका है अंकुश MiG-21 18, और टोटल आपके एयरक्राफ्ट वहाँ पर हैं। सूरतगढ़ राजस्थान की बात करें तो नंबर 23 स्क्वाड्रन पैंथर्स MiG-21 यहाँ पर भी है। वहीं उतरलई की बात करें राजस्थान की, तो अगेन नंबर 4 स्क्वाड्रन जिसको ओरियल्स कहा जाता है, यहाँ पे हमें MiG-21 का पूरा एस्टैब्लिशमेंट रखा गया है। पहली आप जोधपुर राजस्थान की बात करते हैं तो नंबर 31 स्क्वाडन एंड नंबर 32 स्क्वाडन नंबर 31 लॉयंस, जहाँ सो कोई 31 मार्क 1 रखा गया है, और नंबर 32 स्क्वाडन जो है थंडरबर्ड्स, यहाँ MiG-21 का जो है एस्टैब्लिशमेंट किया गया। वहीं जामनगर गुजरात की जब हम बात करते हैं तो नंबर 6 स्क्वाडन ड्रैगन्स जैगुआर, फिर से नंबर 28 स्क्वाडन फर्स्ट सुपरसोनिक MiG-29 एंड नंबर 224 स्क्वाडन, इनको वार लॉर्ड्स कहा जाता है जैगुआर को। वहीं भुज की बात करें गुजरात तो नंबर 15 स्क्वाडन फ्लाइंग लांसेस MiG-21, वहीं पुणे महाराष्ट्र की बात करें तो नंबर 20 स्क्वाडन लाइटनिंग सुकोई 30 मार्क 1 एंड पैलेली जो है नंबर 30 स्क्वाडन की बात करें तो इनको राइनोस कहा जाता है जो कि सुकोई 31 मार्क 1 की कैटेगरी में आते हैं। वहीं तंजावुर तमिलनाडु की बात करें तो नंबर 222 दैट मीन 222 स्क्वाडन आपका टाइगर साक्स, जिसको MiG-27 के जो है स्टेबिलिटी वहाँ पे की जाती है एयरक्राफ्ट्स की। वहीं सुलूर तमिलनाडु की बात करें तो नंबर 18 स्क्वाडन फ्लाइंग बुलेट्स तेजस एंड पैलेली नंबर 45 स्क्वाडन फ्लाइंग डैगर्स तेजस। तो तेजस की बात किया जाए तो ऑब्वियसली हमारे HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो एक क्रिएशन है HAL की, वो अपने आप में बहुत कमाल की है। और ऑब्वियसली आज मैं तेजस के विषय में भी डिस्कस करूंगा कि आखिर किस तरह का एयरक्राफ्ट है और कैसे ये मदद करता है हमारी भारतीय वायुसेना की मजबूती को बेहतर करने के लिए। वहीं हम हासीमारा की बात करें पश्चिम बंगाल, तो ऑब्वियसली नंबर 22 स्क्वाडन स्विफ्ट MiG-27, और सबसे बड़ी बात हम नंबर 101 स्क्वाडन की बात करेंगे ऑब्वियसली अगेन फॉलकॉन्स, जो कि राफेल की स्टेबिलिटी है। तो कह सकते हैं कि राफेल को लेकर के बैक टू बैक आप समझ सकते हैं कि दो स्क्वाडन की स्टेबिलिटी की जा रही है, जहां नंबर 17 आपने अंबाला में देखा तो वहीं नंबर 101 स्क्वाडन आप वेस्ट बंगाल में देख रहे हैं, हासीमारा में देख रहे हैं राफेल को, क्योंकि आपको पता है टोटल 36 परचेज है, तो लाजमी से बात है कि दो स्पेशल स्क्वाडन इसके लिए एस्टैब्लिश किए गए, एक पश्चिम बंगाल की लोकेशन दी गई और दूसरी अंबाला की। और मुझे लगता है कि दोनों ही लोकेशन सामरिक दृष्टिकोण से बहुत जरूरी है देश की सुरक्षा के लिए, और मुझे लगता है कि अब हमारे पास राफेल जैसा ताकतवर फाइटिंग एयरक्राफ्ट हमारे पास है। तेजपुर आसाम की बात करें तो नंबर 2 स्क्वाडन बिंजाड एरो सुकोई 30 मार्क 1 एंड वहीं छबुआ आसाम की बात करें तो नंबर 102 स्क्वाडन आपका ट्राइसोनिक कहा जाता है सुकोई 30 मार्क 1 को, एंड श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो नंबर 51 स्क्वाडन स्वर्ड आर्म्स MiG-21 की हम बात करते हैं। ये पूरा का पूरा आपका वर्जन रहा जो कि कहीं ना कहीं एस्टैब्लिशमेंट है अलग अलग लोकेशंस में हमारी सारी एयरक्राफ्ट्स को, समझ के बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि आप जब ये चीज़ देख रहे होंगे तो मैंने बड़े फास्ट तरीके से आपको कवर किया है, जहां आप वन बाय वन सारी इमेजेस को देखेंगे, इट रियली फील यू प्राउड कि हमारा देश क्या है, हमारे देश की ताकत क्या है और उसके ओवरऑल वजूद एंड वर्चस्व क्या है। तो आइए थोड़ा सा और डिटेलिंग समझते हैं, जब हम इतने सारे फाइटर जो है एयरक्राफ्ट की बात कर ही रहे हैं तो इनके विषय में और डिटेलिंग जानना बहुत जरूरी है। और डिटेलिंग की बात आती है तो सबसे पहले मैं डसॉल्ट राफेल की बात करूंगा। ऑब्वियसली इसे डसॉल्ट कंपनी ने बनाया है तो इसे डसॉल्ट राफेल के नाम से जाना जाता है, और ऑब्वियसली जिसको हम राफेल कहते हैं तो टेक्निकली इसको आप डसॉल्ट राफेल कहेंगे। भारत के लड़ाकू विमानों में सबसे बड़ा और सबसे नया विमान है ये, और ऑब्वियसली यह विमान भारत ने फ्रांस से खरीदे हैं। ये एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, तो मल्टी रोल को भी समझना बहुत जरूरी है, जो कि आपका आसमान में भी अटैक कर सकता है और ग्राउंड टारगेट को भी अटैक कर सकता है। तो इस कैपेसिटी के साथ जो है ये इंटर किया है हमारे यहाँ, और ऑब्वियसली आप जानते हैं फ्यूलिंग एयर में ही हो सकती है, बहुत सारी ऐसी ऑब्वियसली बेहतरीन शक्तियाँ हैं जो कि ऑब्वियसली डसॉल्ट राफेल के अंतर्गत हैं, और मुझे लगता है कि भारत की ताकत के लिए सबसे अहम था। वहीं जब सुकोई 30 मार्क 1 की बात करते हैं तो यह विमान भारत ने जो है रूस से खरीदा, और ऑब्वियसली
यह अब रूस की मदद से भारत नासिक स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, दैट मीन जिसको आप बात करते हैं HAL की, ओझर में रूस की मदद से इसका निर्माण भी करता है। या एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। ऑब्वियसली जब हम सुकोई 30 मार्क 1 की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं रूस की मदद से ऑब्वियसली ये जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो कि नासिक ओझर में स्थित है वहाँ पर हमने इसका इस्टेब्लिशमेंट कर लिया और अब हम स्वयं भी इसका निर्माण करना स्टार्ट कर दिया, जो हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि यह एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, ये भी एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, मुझे लगता है कि ये भी हमारे इंडियन फोर्स की ताकत को बेहतर ढंग से बढ़ाता है। वहीं जब हम बात करते हैं मिकायन मिग 29 इसलिए क्योंकि मिकायन कंपनी ने बनाया जिसको हम मिग 29 कहते हैं, असल में मिकायन मिग 29 है। तो मिग 29 की बात करते हैं, ये विमान भारत ने अगेन रूस से खरीदा, यह भी एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि ऑब्वियसली हमारी इंडियन एयरफोर्स की ताकत में चार चांद लगाता है। पहले ही हम जो है डसॉल्ट मिराज 2000 की बात करेंगे जिसका मैं जिक्र वहां कर ही रहा था, और अगेन डसॉल्ट कंपनी का बनाया हुआ है मिराज 2000, भारत ने फ्रांस से ही खरीदा था, यह भी एक मल्टी एयरक्राफ्ट फाइटर है। HAL तेजस जिसकी हमें बात करने वाला, बिकॉज आई रियली फील प्राउड कि जब हम भारत में कुछ क्रिएट करते हैं और अपनी शक्ति का जन्म देते हैं तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की सबसे बड़ी खोज है जो कि हम तेजस के नाम से समझते हैं। तेजस के विषय में भी खूबी बता दूं, तेजस को भारत में मिग 21 का रिप्लेसमेंट माना जा रहा है। जो मिग 21 हमारे एयरक्राफ्ट हैं उनके अगर रिप्लेसमेंट की बात की जाए तो उसमें तेजस नाम सबसे आगे है। तेजस भारत में निर्मित एक हल्का और मल्टी रोल फाइटिंग एयरक्राफ्ट है जो कि कहीं ना कहीं एज इंटरसेप्टर बहुत अच्छा काम कर रहा है, और ये बहुत ही हल्का और बहुत ही बेहतरीन जो है मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि ऑब्वियसली हमारे भारत में क्रिएट किया गया है हमारी ताकत को बढ़ाने के लिए। वहीं हम बात करते हैं सेपेसात जैगुआर की, जिसको आप जैगुआर करते हैं। तो सेपेसात जैगुआर को भारतीय वायुसेना में शमशेर कहा जाता है। यह ग्राउंड अटैक फाइटर एयरक्राफ्ट है, ये केवल ग्राउंड पर अटैक करता है, एयर एंड ग्राउंड दोनों नहीं करता है, ये ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट है। यह विमान भारत ने यूनाइटेड किंगडम से खरीदा है। उम्मीद है कि इसे वर्ष 2030 तक रिप्लेस कर दिया जाएगा, 2030 तक इसको डीकमीशन कर दिया जाएगा और इसे रिप्लेस करके इसके जगह नया लाया जाएगा। वहीं मिग 21 ऑब्वियसली मिकायन गुरविच मिग 21 भारत का इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट माना जाता है, और कुछ एक बचे हुए विमानों को वर्ष 2022 के अंत तक रिप्लेस कर दिया, और इसमें जो भी बचे हुए हैं इन्हें रिप्लेस कर दिया है। इंटरसेप्टर का आप मतलब समझें कि देखिए फौज के कई सारे रोल होते हैं। जब आप एयरक्राफ्ट फाइटिंग को टेक्निकली देखने की कोशिश करें तो ऐसा नहीं कि आप केवल अटैक ही करते हैं, कहीं ना कहीं आप एक ब्रेक का भी काम करते हैं। दैट मीन कहीं से आपके अटैक पायलट्स आ रहे हैं, एयरक्राफ्ट आ रही हैं, तो लाजमी सी बात है कि आप सामने से जाके उनको रोकने का भी कार्य करते हैं। और ऑब्वियसली कोई भी पायलट ऐसा नहीं होगा कि आपका सामने सामने एयरक्राफ्ट को लड़ा देगा, तो कहीं ना कहीं एक घेराबंदी का भी ये तरीका होता है जहां ये इंटरसेप्ट, जैसे कि आप ग्राउंड पे होता है कि ट्रैक कर लेते हैं, एक घेरा बनाते हैं कि सामने वाला आगे नहीं बढ़ पाता है, सेम चीज़ कहीं ना कहीं हवा में भी होती है कि एक घेरा बन जाता है और आप ऑब्वियसली उस घेरे से कहीं ना कहीं टेक्निकली आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कहा जाता है कि मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट उन विमानों को कहा जाता है जो एक से अधिक रोल निभाने की काबिलियत होते हैं, जो मल्टी रोल एयरक्राफ्ट की हम बात करते हैं कॉम्बैट, जैसे कि विमान न केवल हवा में दुश्मन के विमानों का सामना करता है बल्कि जरूरत पड़ने पर ग्राउंड टारगेट को भी नष्ट करने का दम रखता है। तो ये क्वालिटी, और मुझे लगता है कि भारत में ऐसे फाइटिंग एयरक्राफ्ट की संख्या ज्यादा है। इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट वो विमान होते हैं जो कि दुश्मन के आक्रमण को रोकने के काम में आते हैं। जैसे हल्के इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट कम रेंज में असरदार प्रभाव के लिए माने जाते हैं, कम रेंज में असरदार प्रभाव ये करते हैं, जबकि भारी इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट रात में उड़ान भरने, लंबी दूरी तक बचाव करने और विपरीत मौसम में भी अपना जौहर दिखाने में कहीं ना कहीं कमाल होते हैं। जब इस जौहर की कहानी आती है तो सबसे पहले मैं एक नाम लेना चाहूंगा, ऑब्वियसली हम नाम कैसे भूल सकते हैं, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो का। ऑब्वियसली इनका नाम इसलिए भी अहम है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के अंतर्गत पहले और आखिरी परमवीर चक्र विजेता हैं जिनके विषय में हम हमेशा बात करते हैं, और ऑब्वियसली इनके पराक्रम का परिचय इन्होंने उसी दिन दे दिया था कि जिस दिन 6 एयरक्राफ्ट के बीच घिरा होने के बावजूद इस बंदे ने उनके 6 के 6 एयरक्राफ्ट को बर्बाद किया। हाँ, मुझे लगता है कि अपने जीवन को इन्होंने कुर्बान किया, बट आई थिंक कुर्बान करने से पहले इस देश का नाम किया, अपने समाज का नाम किया, परिवार का नाम किया और दुश्मनों को बिल्कुल होश उड़ा दिया। तो बिल्कुल उस कहानी है, ऑब्वियसली बहुत जल्द मैं कहीं ना कहीं निर्मलजीत सिंह सेखों पर एक ऑटोबायोग्राफी, इनकी एक वीडियो भी लेके आऊँगा जहाँ इनके पूरे के पूरे आपको युद्ध काल के दौरान इनकी लाइफस्टाइल हर सेगमेंट को कवर करने का प्रयास करेंगे, जो कि 18 स्क्वाडन में 1971 में पोस्टेड थे और पाकिस्तान के 6 F-86 विमान का सामना अकेले जीनेट से किया था। और ऑब्वियसली F-86 कहीं ना कहीं हमारे जो है जीनेट से अपग्रेडेड वर्जन था क्योंकि उन्होंने अमेरिका से उसको खरीद रखा था और वो ज़्यादा ताकतवर थे, और इन्होंने जीनेट के दम पे जो है, हालांकि इस मुठभेड़ में निर्मलजीत सिंह शहीद हुए और उनका आर्थिक
शरीर पार्थिव शरीर ढूंढने के बाद भी बहुत नहीं मिल पाया। और निर्मल जी अकेले ऐसे वायुसेना के व्यक्ति हैं जिन्होंने परमवीर चक्र प्रदान किया। अगर ऑब्वियसली उन्होंने 6 के 6 जो है पाकिस्तान के F-86 को धूल चटाई थी, और कहा जाता है कि बिल्कुल पीछा करते हुए जैसे कि 2 एयरक्राफ्ट को वो तेजी के साथ आ रहे थे, फिर वो रिवर्स मारे और वो आगे बढ़ना शुरू कर दिया और इन्होंने उनका पीछा कर लिया, मतलब उन एयरक्राफ्ट को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। सडनली 4 एयरक्राफ्ट इनके पीछे से भी आया और एक घेरा बना लिया 6 एयरक्राफ्ट का, क्योंकि आप भाग सकते थे इधर से उधर से कहीं रास्ता में, बट एक घेरा बना लिया। पर उसके बावजूद कहते हैं कि निर्मल जीत सिंह सेखों साहब जो है दम लगा के पूरा लड़े और उनके 6 के 6 एयरक्राफ्ट को बर्बाद किया और ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इस देश के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। और इसीलिए उन्हें इंडियन एयरफोर्स का इकलौता परमवीर चक्र विजेता के रूप में जाना जाता है, पहला परमवीर चक्र विजेता के रूप में भी जाना जाता है। वहीं आप लोग हल्की सी कहानी पढ़ते हैं, जब आप विंग कमांडर अभिनंदन ऑब्वियसली MiG-21 से पाकिस्तान के F-16 विमान से वो भिड़ गए थे, क्योंकि आपको पता है कि उनका पीछा करते करते वो पाकिस्तान के अंदर तक धकेल दिए। क्योंकि हमेशा सिचुएशन ये नहीं होती कि आप आमने सामने से लड़ जाते हैं, सिचुएशन ये होती है कि वो उधर से आ रहे होते हैं और आप जब इधर से सामने से होते हैं तो रिवर्स बैक करते हैं, क्योंकि टर्न करते करते कभी वो भी अंदर आ जाते हैं, तो वो जब आप पीछा करते हो तो तेजी के साथ भागना स्टार्ट करते हैं। तो पीछा करते 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 उन्होंने ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर तक धकेल दिया था, विमान से गए थे और पीछा करते हुए पाकिस्तान के अंदर तक चले गए। अभिनंदन ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के होरान गांव के पास इजेक्ट कर लिया गया, जो कि ऑब्वियसली लाइन ऑफ कंट्रोल से 7 किलोमीटर अंदर था, और उनको फाइनली बंधक बना लिया गया, जैसा कि आपको सारी कहानी पता ही है और वो काफ़ी हाईलाइट भी किया था मीडिया ने उस समय। 27 मई 2019 को बंधक बनाया गया विंग कमांडर अभिनंदन को, 1 मार्च 2019 को रिहा किया गया और अगस्त 2019 में ही उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। जैसे मैंने अभी आपको एक बार पूरा चक्र एंड मेडल को कवर किया था, जिसमें मैंने बताया था वार काल में क्या है आपके और पीस में क्या है। तो वार में आप समझते हैं कि परमवीर महावीर एंड वीर चक्र हो गया, और उधर आपका अशोक सौर्य एंड कीर्ति चक्र हो गया, जो कि पीस टाइम है। अब आपका प्रश्न होगा कि सर ये वार का टाइम तो था नहीं, पीस का टाइम था? नहीं, यहाँ टेक्निकल पॉइंट ये समझने का है कि वो दुश्मन के एरिया में 7 किलोमीटर तक अंदर घुसे, और ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं एक वीरता का अपने आप में बड़ा परिचय है। और कहीं ना कहीं अभिनंदन ने वो कर दिखाया और फाइनली उन्हें जो है वीर चक्र से 2019 में सम्मानित किया गया। और ऑब्वियसली जैसा कि हमारा और पाकिस्तान का संधि है इस चीज को लेकर के, उसके अनुसार पाकिस्तान ने हमें उन्हें वापस कर दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस। तो मुझे लगता है कि जो पूरा का पूरा एक वर्जन है हमारे इंडियन एयरफोर्स का, हमारे फाइटिंग एयरक्राफ्ट्स का, लेकर बहुत खूबसूरत है, और डे बाई डे कंट्रीज फोकस टू अपग्रेड इट टू मेक इट मच बेटर, मोर बेटर। तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है जब मैं इन डिटेल्स की आपके विषय में बात करता हूं। तो मुझे लगता है कि यार वाकई में देश की बुराइयां तो बहुतों ने कर ली, यार एक बार चलो देश की बड़ाई करते हैं। और मुझे लगता है कि फौज का हर स्वरूप जब आप डिस्कस करेंगे, जब आप अंडरस्टैंड करेंगे, तो आपको ये रियलाइज होगा कि वाकई में हमारे भारत देश की ताकत क्या है, क्षमता क्या। और ऐसे यार कोई हमको आंख दिखा के नहीं जा सकता, वो ताकतवर देश हम हैं, वो ताकतवर फोर्सेस हमारी हैं। तो मुझे लगता है कि हर नेगेटिव लाइन बोलने वाले व्यक्ति के लिए एक तमाचा है हमारे इंडियन एयरफोर्स का ये पावर, ये जज्बा 900 हमारे फाइटिंग एयरक्राफ्ट, जो कि हमारी वैल्यू पावर और कहीं ना कहीं हमारे जज्बे को दर्शाती हैं। तो बिल्कुल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो भी दिल में आ रहा हो बिल्कुल कमेंट करिए, और एक सपना मुझे बताइए कि आखिर आज जितने भी एयरक्राफ्ट्स मैंने आपको काउंट कराए हैं, जितने भी फाइटिंग एयरक्राफ्ट्स का मैंने आज नाम लिया, वो चाहे मैं जैगुआर का नाम लूँ, चाहे मैं तेजस का नाम लूँ, चाहे MiG-21 की बात करूँ, या मैं Sukhoi-30 Mk 1 की बात करूँ, मैं रफेल का बात करूँ, मैं किसी भी एयरक्राफ्ट की बात करूँ यार, तो अपना सपना लिखो यार वीडियो कमेंट में आकर के कहीं ना कहीं कि आखिर आपका सपना किस एयरक्राफ्ट को उड़ाने का है, आपका सपना किस एयरक्राफ्ट से ऑब्वियसली हवा में कहीं ना कहीं गोते खाने का है। तो मुझे लगता है कि ये सपना, ये विजन, ये कमिटमेंट ही आपको बेहतर बनाएगा और सबसे आगे ले जाएगा। तो बिल्कुल वो कमेंट बॉक्स में आके उसको कमेंट करें, और जिस तरह की भी क्वेरी, जो भी वीडियोज़ आपको लगते हैं कि आपको उसके विषय में जाना ज़रूरी है, कमेंट बॉक्स में आइए, उन बातों को कहिए। मेरी पूरी कोशिश होगी बेटा कि उससे रिलेटेड मैं वीडियो ले आऊँ और आपके आत्मविश्वास और जज्बे को बढ़ाऊँ, और कहीं ना कहीं आपका सपना पूरा करने में एक रोल निभा सकूँ, एक ब्रिज का काम कर सकूँ। और ऐसे ही आप सब दुआ आशीर्वाद और अपना रिस्पेक्ट एंड केयर एंड प्यार बनाए रखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, मेजर कलसी के चैनल को सब्सक्राइब करें, और फाइनली इस वीडियो को वायरल करके अपने देश की क्षमता पूरे विश्व स्तर तक पहुंचाएं। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद जय भारत। मेजर कलची क्लासेस ऑनलाइन कोर्सेज फॉर ऑल डिफेंस एग्जाम्स, रिकॉर्डेड लेक्चर, ई नोट्स, डेली लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट, अब ऑनलाइन पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। डाउनलोड द MKZ लर्निंग ऐप एंड फुलफिल योर ड्रीम्स।